प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना की सौगात, बोले सरकार अनाथ बच्चों के साथ खड़ी है। ओवैसी पर भड़के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, का औरंगजेब की गलतियों को निशानी बताने वाले उनकी औलाद। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान, पवन खेड़ा को जगह नहीं, बोले शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तेलंगाना के श्रम मंत्री के काफिले पर जूते, पत्थरों और कुर्सियों से हमला, पुलिस ने भीड़ से बचाया। पंजाब में गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या, कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली हत्या की जिम्मेदारी। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद तिहाड़ समेत दिल्ली की जेलों में खास अलर्ट, गैंग्स के गुर्गों को हो रही मॉनिटरिंग। मूसेवाला हत्याकांड के तिहाड़ जेल में जूतेदार गैंगस्टर ने विदेश फोन कर रची थी मर्डर की साजिश। मूसेवाला के पिता का दावा, सिद्धू को फिरौतियों के लिए धमकियां दे रहा था विश्नोई गैंग, पुलिस को बताई हत्या से कुछ देर पहले की कहानी। संग्राम के भारतीय वीरों के परिवार को छात्रवृत्ति देगा बांग्लादेश, विदेश मंत्री ए के अब्दुल्ला मोमेन का ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का किया शिलान्यास, बोले खुद करूंगा यहां के काम की मॉनिटरिंग। वायु प्रदूषण से निपटने को संयुक्त मंच की वकालत, भारत पाकिस्तान समेत नेपाल और बांग्लादेश में भी बढ़ रही दूषित हवा की समस्या। सीएम योगी का बड़ा बयान, अयोध्या के बाद नई अंगड़ाई लेते दिख रहे हैं, काशी और मथुरा आगे बढ़ना होगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बढ़ाई गई घर की सुरक्षा, एसआईटी का गठन, पिता के बयान पर एफआईआर दर्ज। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर आप सांसद संजय सिंह, बोले इसमें शामिल लोग बचेंगे नहीं। मोदी कैबिनेट के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अव्वल मतदाताओं में भी लोकप्रिय। बिहार में किशोरी के साथ रेप, अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने किया प्रदर्शन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, सीएम योगी ने दी सौगात, सीएम योगी ने कहा उच्च शिक्षा का हब बनेगा गोरखपुर। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तीन चोरों को किया गिरफ्तार, डकैती की बना रहे थे योजना। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन करने वालों पर कसा शिकंजा।
नौ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर चोर गिरोह की हुई गिरफ्तारी, चोरों के पास चोरी का सामान बरामद। लखीमपुर खीरी में जानवरों का आतंक, सांड ने ग्रामीण पर किया हमला, युवक को बाघ ने किया घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में मीडिया पर भड़के रामगोपाल यादव, देश की गरीबी नहीं दिखाई पड़ती। रायबरेली में बांग्लादेश के रेल मंत्री कनूरुल इस्लाम, रायबरेली दौरा, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री करेगा अवलोकन। सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, बिठूर घाट पर लगा मेला। बरेली में 25 साल बाद पास हुआ ताजमहल का टेंडर, चीफ इंजीनियर ने योजनाएं बताकर हड़पा सरकारी खजाना। आजमगढ़ में ईसाई धर्म में परिवर्तन की चल रही थी तैयारी, 100 से ज्यादा लोगों का मंत्रारण रोका गया। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, डिजिटल इंडिया पर जो हंसते थे आज उसका प्रभाव देख रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति का 2024 पर मंथन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा 80 में से 75 सीटों का लक्ष्य। अब नाले की मिथेन और हाइड्रोजन से फराचा भरेंगे वाहन, मेरठ का प्रोजेक्ट स्टार्टअप अपमिक्स शामिल। एयरपोर्ट की तरह रैपिड रेल स्टेशनों पर बनेगा लाउंज, यात्रियों को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। लखनऊ में सरसों और रिफाइंड ऑयल में आई भारी गिरावट, बाजार के दाम में मिल रहा तेल। उत्तर प्रदेश में बढ़ा मंकी पॉक्स का खतरा, योगी सरकार ने जारी किया अलर्ट, सभी जिलों में सर्विलांस टीमें अलर्ट की गई। तोला किसानों को नहीं मिलेगी सम्मान निधि की 11वीं किश्त, तो गोरखपुर में सर्वाधिक अमीरों ने ली थी सम्मान निधि। मेरठ में आफत की आंधी, 150 पेड़ और 90 बिजली के पोल गिरे, बागपत में किसान की मौत। आगरा कानपुर हाईवे पर इटावा में आधी रात पुलिया से टकराई कार, रिजर्व बैंक के एजीएम और उनकी पत्नी की मौत। कानपुर में पिता ने बेटे को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, रात भर तड़प कर निकल गई उसकी जान। गोंडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, सराफा व्यवसायी से लूट के आरोपित गिरफ्तार। मेरठ में मंचलों की हरकतें, स्कूल जा रही छात्रा से मांगा मोबाइल नंबर, पीछा कर रहे युवक की धुनाई। कानपुर में मंदिर हटाकर बन रहा अपार्टमेंट, महापौर का आदेश भी हुआ हवा, सीएम को भेजी शिकायत। जनता दर्शन में भारी भीड़ देख अधिकारियों पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा स्थानीय स्तर पर नहीं हो रहा काम।
राज्यसभा के रास्ते पुराने ब्राह्मण मुस्लिम वोट बैंक की ओर, कांग्रेस 10 प्रत्याशियों की सूची में यूपी से 3। धर्म बदल कर बेघर हुए जितेंद्र नारायण त्यागी, अब हनुमान सेतु मंदिर की पार्किंग में डाला डेरा। यूपी से राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे में भाजपा का जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधने का भरपूर प्रयास। सभी लोकसभा क्षेत्र में 125 बूथ मजबूत करेगी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बनी रणनीति। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी बोले, मुसलमानों के खिलाफ नहीं समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड से भाजपा ने कल्पना सैनी पर जताया भरोसा, संगठन के लिए निष्ठा ने बचाई उनकी राह आसान। केरल में इस बार मानसून ने अनुमानित समय पर दी दस्तक, उत्तराखंड में 20 जून तक पहुंचने के आसार। बाबा रामदेव ने कहा, कोई गृहस्थी नहीं केवल सन्यासी होगा पतंजलि योगपीठ का ट्रस्टी। हरिद्वार में तड़के से श्रद्धालुओं का जमावड़ा, 22 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। उत्तराखंड के पांडवसेरा में फंसी ट्रैक्टरों का सुरक्षित रेस्क्यू, सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचे गौचर। राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी चयन में भाजपा ने साधे कई समीकरण, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी महिला प्रतिनिधित्व। राजनीतिक धुरंधरों में से एक कांग्रेस नेता हरीश रावत का अंदाज निराला, सड़क पर बने गड्ढे के किनारे धरने पर बैठे हरीश रावत, सुर्खियों में बनने का हुनर इनसे ज्यादा किसी के पास नहीं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में स्वजन को पहुंचा रहे लाभ, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लगाया रोक। वाला देहरादून एयरपोर्ट में रनवे पर कार्य के दौरान 2 मजदूरों की मौत, सामग्री लेकर आए एक डंपर की चपेट। मकान में गृह प्रवेश के लिए जा रहा परिवार हुआ हादसे का शिकार, महिला की मौत। चारधाम यात्रा के लिए फर्जी पंजीकरण मामले में 2 ट्रैवल एजेंसीज के खिलाफ मुकदमा। आईटीबीपी की भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाला गिरफ्तार, दलाल के माध्यम से दिलवाई थी लिखित परीक्षा। देहरादून में भू कानून की मांग को लेकर बीएसएनएल के टावर पर चढ़ा आंदोलनकारी, कहा मुख्यमंत्री को बुलाओ तभी उतरूंगा। चंपावत उपचुनाव में 135 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना, विधानसभा में मतदान के लिए कुल 151 मतदान केंद्र बनाए गए। नैनीताल में होटल के कमरे को लेकर पर्यटक का मैनेजर से विवाद, गुरुद्वारे में परिवार संग गुजारी रात। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को बताया स्वतंत्र देश, पाकिस्तान को कहा गुलाम। इमरान खान ने यह बात भारत की ओर से रूस से कच्चा तेल आयात करने को लेकर कही।
संयुक्त अमर अमीरात में मंकी पॉक्स के मिले 3 और मामले, एक हफ्ते पहले मिला था पहला केस। आम चुनाव को लेकर गरमाई सियासत, फौज पर बरसे इमरान, सुप्रीम कोर्ट भी निशाने पर, एक्शन बोर्ड में शहबाज सरकार। एक लाख रुपए में नाबालिग बेटी को बेचना चाहता था पिता, मां ने विरोध किया तो कर दी हत्या। यूएनएचआरसी प्रमुख की शिनचियांग यात्रा को लेकर अमेरिका के निशाने पर चीन, विश्व ईगर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। कारायर के विमान में सवार 22 लोगों में से 14 के शव बरामद, नेपाली सेना ने दुर्घटना स्थल से जारी की तस्वीरें। उत्तर कोरिया ने हटाया देशव्यापी लॉकडाउन, कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद लिया फैसला। पाकिस्तान में लोगों को जबरन गायब करने को लेकर पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अदालत का नोटिस। अमेरिका के साइलेंट डिप्लोमैट से चित हुआ चीन, नेपाल के फिजी से बेदखल होगा ड्रैगन, भारत को होगा लाभ। यूक्रेन के खतरनाक मिसाइल से घबराई रूसी सेना, ओडेसा बंदरगाह से करेगी दुश्मन से रखवा। टाटा की नई पहल, भारत में नहीं होगी रोजगार की कमी, नौकरी के होंगे बेशुमार मौके। शेयर बाजारों में लिस्ट हुए तोश के शेयर, आईपीओ खरीदने वालों को लगा झटका। अब बिना किसी झंझट के निकाले पीएफ का पैसा, मिनटों में डायरेक्टर जनरल होगा यूएन, ईपीएफओ ने दी ये नई सुविधा। सेंसेक्स में 111 अंकों के उछाल के बाद निवेशकों की संपत्ति में 5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा। आरबीआई ने जारी किया नकली नोट पर रिपोर्ट, 500 रुपए के जाली नोट की संख्या हुई दोगुनी। देश में बिजली संकट बरकरार, 7 साल बाद पहली बार कोयला इंपोर्ट करेगी कोल इंडिया। आधार कार्ड पर सरकार का यू टर्न, पहले कहा फोटोकॉपी शेयर ना करें, अब कहा सामान्य विवेक का प्रयोग करें। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने 2 शेयरों में हुई गिरावट से गवाए 540 करोड़ रुपए। सोने की कीमतों में तेज उछाल, 51,000 के पार हुआ भाव, डॉलर की कमजोरी और अमेरिकी डायमंड यील्ड में आई गिरावट का फायदा बुलियन को मिल रहा है। जीडीपी विकास दर में लगातार तीसरी तिमाही में धीमा रहने का अनुमान, नकारात्मक साबित हो सकता है ब्याज दर बढ़ाना। आशीष नेहरा ने बदल दिया आईपीएल का इतिहास, बने ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कोच। आउट होने के बाद बेहद नाराज दिखे जोस बटलर, डग आउट में फेंका अपना हेलमेट और ग्लव्स।
आईपीएल फाइनल जीतने के बाद दौड़कर पति के गले लगी नताशा भावुक, पत्नी को हार्दिक ने दी जोरदार झपकी। जोस बटलर का एक और रिकॉर्ड, प्लेऑफ में दोहरा शतक पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज। बीसीसीआई ने दी खिलाड़ियों को बड़ी राहत, बायो बबल के बिना खेली जाएगी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज। डेब्यू सीजन में ही हार्दिक पांड्या ने बनाया गुजरात को चैंपियन, आईपीएल को मिला नया विजेता। आईपीएल 2022 की सबसे तेज गेंद लॉकी फर्ग्यूसन ने फेंकी, उमरान मलिक का टूटा गया रिकॉर्ड। आईपीएल 2022 के रन किंग रहे जोस बटलर, लगाए सबसे ज्यादा छक्के चौके शतक और बनाए सबसे ज्यादा रन। उमरान मलिक ने जीता इमर्जिंग प्लेऑफ द सीजन का खिताब, हैदराबाद के लिए लिए थे इतने विकेट। कप्तान हार्दिक पांड्या बने फाइनल में गुजरात की जीत के हीरो, जीत प्लेऑफ द मैच का खिताब। मशहूर मलयालम गायक एडवा बशीर का निधन, केरल के मुख्यमंत्री ने जताया शोक, गायक का निधन स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हुआ। गायक से अभिनेता बने आदित्य नारायण को आई नन्ही तविशा की याद, वीडियो शेयर कर हुए इमोशनल। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से फिल्म इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर, रणवीर सिंह, विकी कौशल और निमृत कौर समेत कई सेलेब्स ने व्यक्ति संवेदना। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में अक्षय कुमार को स्टेडियम में देख झूम उठे फैन सेक्टर ने भी हाथ हिलाया किया अभिवादन। एक्टर आमिर खान ने रचा इतिहास, लाइव मैच के दौरान फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज। शाहिद कपूर ने यूरोप की सड़क पर कोई मिल गया गाने पर किया जमकर डांस, जर्से फिल्म की एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने किया कमेंट। मुनव्वर फारूकी को रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी, सीजन 12 से नहीं किया गया बाहर, जल्द शुरू करेंगे शूटिंग। करण जौहर के शो कॉफी विद करण में सीजन 7 में खुलेंगे एक्टर विजय देवरकोंडा के राज, पूरी हुई शूटिंग। मेजर मोनिका मेहरा बनकर स्क्रीन पर आएंगी जेनिफर विंगेट, एक बार फिर से करेंगी दुश्मनों पर वार। अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज की एडवांस बुकिंग, एडवांस बुकिंग के पहले दिन फिल्म के करीब 20 टिकट बिक हो चुके हैं। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।